हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बनाएंगे कॉलर ब्लाउज, प्रिंसेस कट, स्टेप, वेस्ट है 28 और चेस्ट है 34। चेस्ट में हम देखे फुल ब्रस्ट होता है, उसी का नाप रहते। जो हमारी ये चेस्ट है ब्लाउज में, जहां तक मेरे जो कटिंग है टोटली मैं आपको बताती हूँ कि इसमें फुल ब्रस्ट का नाप होता है। ये जो हमारी चेस्ट है ये फुल ब्रस्ट ही होती है एक्चुअल में। और वेस्ट जो है हमारी कमर है, जो फिटिंग की, इसमें बिल्कुल इक्वल नाप लिया जाता है। जितनी हमारी फुल ब्रस्ट है बिल्कुल बराबर में, जितनी हमारी कमर है बिल्कुल बराबर में, कुछ भी हम ऐड नहीं करते यहाँ पे, लूजिंग बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। तो ये बिल्कुल बराबर में नाप लिया हुआ है फुल ब्रस्ट का, यानी चेस्ट का और कमर का। इसी के अकॉर्डिंग हम टू पीस प्रिंसेस कट की कटिंग कर रहे हैं, और वो विद कॉलर के साथ में, क्योंकि अभी सर्दियां चल रही है और कॉलर के ब्लाउज खूब चल रहे हैं, खूब भी आ रहे हैं और खूब भी पहन रहे हैं लोग। तो इसीलिए हम कॉलर के ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं ताकि आप उसको इजीली से समझ सके। तो मैं पहले आपको ये मैंने फेब्रिक लिया है कॉलर के ब्लाउज के लिए, और इससे पहले कि मैं इस पे कटिंग करूं, पहले मैं आपको यहाँ पे इसकी ड्राफ्टिंग समझा देती हूँ, ताकि आपको जब आप अपने घर पे कटिंग करो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेंथ लेंगे। तो अगर आपको 14 इंच लेंथ चाहिए तो यार इसमें आपको आगे पीछे के दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर चाहिएंगे। आपको कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं लेना होगा। जब भी आप प्रिंसेस कट टू पीस ब्लाउज बना रहे हो तो आप ध्यान रखिएगा, दोनों पार्ट आगे पीछे के बिल्कुल बराबर चाहिएंगे। तो हमने दोनों पार्ट, ये डबल है तो दोनों पार्ट हमने एक साथ में ले लिया, ठीक है। एक साथ हम कटिंग कर रहे हैं, आज मैं आपको साथ में कटिंग बता रही हूँ। मुझे तैयार चाहिए यहाँ पे 13 प्लस हाफ, मैं ले रही हूँ 14 इंच, आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है सिर्फ हमने, और जो नीचे की तुरपाई होगी पट्टी वो हम एक्स्ट्रा में लगाएंगे। तो कॉलर के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 7 इंच, यहाँ पे मैंने शोल्डर ले लिया है 7 इंच कॉलर के लिए, ठीक है। और जो कॉलर की नेक लेंगे हम, जो नेक बढ़त वो मैंने लिया पर 2.75, और जो नेक मैंने डीप लिया है वो लिया है 3 इंच, ये जो नेक की लेंथ है वो है 3 इंच। तो ये है आगे के पार्ट्स के लिए। और जो बैक साइड का यहाँ पे मैं नेक ले रही हूँ 1/2 इंच, कितना ले रहे हैं हम, 1/2 इंच का शेप देंगे हम अपने बैक साइड के नेप का। यहाँ पे मैंने शेप दिया है, आप ना भी दे सकते हैं वैसे, ये वाली ऊपर वाली जो लाइन है ये वाला सीधी स्ट्रेट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर देना चाहे तो आप 1/2 इंच या 1 इंच तक भी दे सकते हैं, वो भी आपकी इच्छा है। यहाँ पे हमने फिर 7 इंच पे लगाया है, यहाँ पे हमने फिर 7 इंच पे लगा दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आर्म होल लेंगे 6 इंच, तो ये मैंने 6 इंच आर्म होल ले लिया है, 6 इंच चारपोल में पॉइंट लगा करके। और सिर्फ 1/4 इंच मुझे यहाँ पे शेप लगाना है, यहाँ पे मैंने 1/4 इंच का शेप लगा दिया है। अब यहाँ पे मैं लूंगी चेस्ट का 4th पार्ट 8.5 इंच प्लस 1/4 इंच सिर्फ लूजिंग के लिए, क्योंकि ये हाई नेक ब्लाउज है कॉलर का, यानी बंद ब्लाउज है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1/4 इंच लूजिंग के लिए लिया है। बाकी अदरवाइज ब्लाउज में कुछ भी हम लूजिंग नहीं लेते हैं, सिर्फ एक प्रिंसेस कट ब्लाउज में, और वो भी कब, जब ये बंद होता है, ऑफ नेक होता है, कॉलर वाला होता है तब। अगर ये ओपन होता है, नेक इसका ओपन है, तो बिल्कुल भी आपको लूजिंग लेने की जरूरत नहीं है। आप फिटिंग नाप के अनुसार और चेस्ट का 4th पार्ट लीजिए और कमर का 4th पार्ट लीजिए, उसमें जो एक्स्ट्रा लेंगे, जैसे डार्ट के लिए एक्स्ट्रा लेते तो वो डार्ट में ऐड हो जाता है, या फिर कमर में हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं आगे के पार्ट में तो वो हुक पट्टी की जॉइंट के लिए लेते हैं, तो वो सिलाई में ऐड हो जाता है, वो चला जाता है। यहाँ पे हमारी ब्लाउज में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रहेगा, 34 जैसे चेस्ट है तो 34 ही ब्लाउज को रेडी रखेंगे, 27 जैसे कमर है तो 27 रखेंगे, 28 है तो 28 ही ओके रखेंगे, या फिर आपकी 29 है तो आप 29 ओके रखिए। ऐड कुछ भी नहीं करना, लूजिंग कुछ भी आपको लूज नहीं रखना है बिल्कुल भी। अब चेस्ट में मैंने हमने मार्किंग कर लिया है, सिर्फ 1/4 इंच एक्स्ट्रा लिया है और 2 इंच हम मार्जिन की ले लेंगे बराबर में। तो ये हमारी 2 इंच प्रिंसेस कट पार्ट होगी। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा क्यों नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई डार्ट नहीं लगा रही हूँ, विदाउट डार्ट के ऊपर जो हमारी होगी विदाउट डार्ट हो रहा है यहाँ पे। तो आगे की जो शेप लगाऊंगी मैं वो सिर्फ 1/2 इंच की, और बैक साइड की जो होगी वो होगी यहाँ पे 1/4 इंच की, ठीक है। ध्यान रखिएगा 1 इंच की आप रख सकते हैं, तो ये चलिए 1 इंच की ले लेते हैं। आगे की हमारी है 1/2 इंच की, तो आगे की शेप हम देखिए इस प्रकार से लेंगे बाहर की ओर निकालते हुए,
ये मैंने आगे की जो शेप शेप था वो राउंड को हमने यहाँ से ऐसे थोड़ा सा बाहर निकाल लेना है और ये हमने शेप लगा देना है और इस शेप को आपको फिटिंग पॉइंट में ऐसे मिला देना है। तो देखिए बिल्कुल ओके शेप हो गया है। अब बैक साइड के शेप को भी आपको यहाँ से फिटिंग पॉइंट से और इस प्रकार से लेते हैं, इसके बिल्कुल बराबर में लेना है। जो हमारी शोल्डर लाइन लेंथ बोल दीजिए या आर्म और लाइन बोल दीजिए, जो भी है उसके बराबर में मिलना है। तो ये मेरे बैक साइड का शेप है और ये मेरे आगे का फ्रंट पार्ट का शेप होगा। चेस्ट में बिल्कुल ओके हो गया यहाँ पे हमारा नाप। अब हम कमर में आपको बताते हैं। देखिए कमर के लिए क्या करना है, कमर है हमारी 28 का फोर्थ पार्ट हो गया है 7 इंच और आधा इंच हम ऐड करेंगे तो ये हो गया 7 प्लस हाफ। ठीक है, अब आगे के पार्ट्स में हमें एक्स्ट्रा करने के लिए कितना चाहिएगा, आप कितनी डार्ट लगाएंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे लगाएंगे, आप डार्ट लगाएंगे यहाँ पे 2.5 इंच की, तो 7.5 और 2.5 हो गए 10 इंच। ये तो मैंने 10 इंच पे कर दिया यहाँ पे, ये 10 इंच पे पॉइंट। जितना भी आप यहाँ पे कम ले सकते हैं, 2.5 की जगह आप 2.25 ले सकते हैं। 2.25 आपने ऐड किया तो आप जो डार्ट लगाएंगे उसमें भी आपको 2.25 ऐड करना होगा। आप यहाँ पे 2 इंच रख सकते हैं तो आपको 2 इंच ही ऐड करना होगा। 1/4 इंच या 1/2 इंच आप कम या ज्यादा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु दिक्कत और लेते कब है, लेते हम तब है जब किसी का चेस्ट जैसे 34 है किंतु चेस्ट साइज जो है वो बिल्कुल कम है। चेस्ट साइज किसी के 34 में बहुत ज्यादा होते हैं, किसी के चेस्ट हैवी होते हैं, किसी के चेस्ट कम होते हैं। तो वो आइडिया ध्यान में रखते हुए हमें कटिंग करनी होती है कि चेस्ट साइज कम होता है तो आप यहाँ पे 2 इंच की ही ले सकते हो डार्ट। कोई जरूरी नहीं है कि आपको 2.5 इंच की चाहिए, चेस्ट हेल्थी है तो आपको 2.5 इंच की 3 इंच की भी आप डार्ट ले सकते हैं, ताकि जो यहाँ का जो उभार है वो अच्छा बने और आपका जो ब्लाउज है उसकी फिटिंग कहीं से भी खिंचाव ना हो। तो इसीलिए हम यहाँ से जो डार्ट लेते हैं वो स्टेप यहाँ से इकट्ठा होकर के यहाँ आपको उभार देगा। तो इसीलिए हम यहाँ से कम या ज्यादा लेते हैं, ये बात का ध्यान रखिएगा। काफी भाई बहन हमें बार बार पूछते हैं कि आपने उस नाप में 2 इंच लिया था, इसमें आपने 2.5 इंच क्यों लिया है मैम। तो आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं इसे गलत नहीं मानती हूँ, क्योंकि जब तक हमारे अंदर पूरी समझ नहीं होगी हम चीज को पूछेंगे और जब पूछेंगे तभी हमें पूरा पता भी चलेगा। तो आपका पूछना बिल्कुल ओके है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर भी देती हूँ और देती भी रहूंगी, कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ सकते हैं। परंतु आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। जैसे चेस्ट तो आपने देखा होगा 32 है और उसके किसी के तो चेस्ट होते ही नहीं है, और किसी के जो कुछ लेडीज होती है, जो कुछ गर्ल्स होती है, उनके चेस्ट हेल्थी होते हैं, तो उनके लिए 32 में भी 2 इंच की जो ये शेप ले लेते हैं हम, प्रिंसेस कट की शेप, और किसी के हम सिर्फ 1 इंच की लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। जितना आपने यहाँ से लिया है ना एक्स्ट्रा, उतना आपको यहाँ पे ऐड करना है। कैसे ऐड करना है देखिए मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे मेरा 34 है तो मैंने 3.5 इंच हमें चेस्ट का 1/10 भाग लेना है, उसके बाद में यहाँ पे 1/2 इंच ऐड कर देते हैं तो ये हो गया है 4 इंच। ये 4 इंच में बिल्कुल पॉइंट लगाना है, बिल्कुल आगे पीछे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमें 1/4 इंच इस तरफ लेना है, ये 1/4 इंच इस तरफ हो गया है, फिर मैं 1/4 इंच इस तरफ लूंगी तो 2.5 इंच हमने ऐड कर दिया ना, और ये ऐड हमें करना है। इससे पहले हम पॉइंट लगाएंगे तीनों अपने, तो यहाँ पे 10 इंच है तो 5 इंच पे हम पॉइंट लगाएंगे टक्स पॉइंट। तो यहाँ से हमने 5.5 इंच लिया है, सॉरी हमने यहाँ पे 4 इंच लिया है, तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच लूंगी। तो ये मैंने 3.5 इंच पे टक्स पॉइंट लगा दिया, ये हमारा टक्स पॉइंट होगा। और यहाँ से अगर आप ऊपर से चाहे तो 9 इंच पे आप टक्स पॉइंट लगा सकते हैं, शोल्डर से अगर नाप करें तो आप। अब देखिए यहाँ से मैंने देखा है फिटिंग पॉइंट से, और जो ये है 8.5 इंच का, तो यहाँ पे हम 4.5 इंच पे पॉइंट लगा देते हैं। अभी हमारे 3 पॉइंट हो गए, ये फर्स्ट पॉइंट ये वाला है, ये देखिए इस पॉइंट को हमने इसमें मिला दिया है, अब इस पॉइंट को आपको इसमें मिला देना है। तो ये एक हमारी ड्रॉइंग हो गई, यहाँ से हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिया है, 1/4 इंच लिया है ना, 1/2 इंच, वो हमने सिर्फ लूजिंग के लिए कि हमारा ब्लाउज टाइट ना हो इसलिए लिया है, कि थोड़ा सा लूज हो यहाँ से ऑफ है इसलिए, और बाकी उसमें कुछ भी नहीं लिया। अब ये जो 1/4 इंच है ना, आपको इस पॉइंट में मिला देना है, फिर ये वाला 1/4 इंच भी मुझे इस पॉइंट में ही मिला देना है। तो ये मैं हाथ से ड्रॉइंग करना आपको सिखा रही हूँ, ताकि हमारी जो बहनें हैं जिनके पास में इतनी ज्यादा सारे सिस्टम नहीं है, तो वो हाथ से भी इस प्रकार से ड्रॉइंग करके अपने ब्लाउज को प्रिंसेस कट की कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे ऐसे इसको मिला दिया, राउंड शेप हो गया है। यहाँ पे हम कुछ भी डार्ट के लिए नहीं लेंगे, इस पॉइंट में सीधा रखेंगे।
ये हो गया है, यहाँ से बस ये ध्यान रखिएगा कि 2.5 इंच के अंदर अंदर ही होना चाहिए आपकी जो कटिंग होती है। तो अब मैं आपको इसकी कटिंग बता देती हूँ। 2 इंच का जो मार्जिन है तो वो 2 इंच का हम मार्जिन यहाँ पे आगे रखेंगे। तो ये हमारा 2 इंच का, सॉरी, ये मार्जिन की लाइन हमारी इस प्रकार से आएगी, देखिए तिरछी। ये हमारी मार्जिन की लाइन यहाँ पे ऐसे आएंगी और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट की लाइन यहाँ पे ऐसे आएंगी। ये फिटिंग की लाइन है तो ये वाली फिटिंग लाइन होगी। तो ये आगे के पार्ट्स की हुई है। बैक साइड के पार्ट्स में आपको कमर का 4th पार्ट प्लस दाट लेनी है, फिर मार्जिन लेना है, इतना ही लेना है। और चेस्ट में चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1/4 इंच प्लस मार्जिन लेना है। चेस्ट ये बिल्कुल है, आगे पीछे का बिल्कुल बराबर लिया हमने। और कमर में सिर्फ चेंज करना है आपको, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, आप बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा। यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं। आगे के पार्ट्स में आगे का सीप कटिंग कर दीजिए और आगे के पार्ट्स में आगे का नेक कटिंग कर दीजिए। बैक साइड में 1/2 इंच का नेक कटिंग कर लिया है। अब बैक साइड के पार्ट्स को आप ओके कर लीजिए। पहले देखिए चेस्ट का 4th पार्ट प्लस दाट, ठीक है। ये देखिए चेस्ट का 4th पार्ट 7 इंच प्लस दाट 1/2 इंच की, तो 7 + 1/2 हो गया है। तो ये हो गया यहाँ पे, और 2 इंच का मार्जिन ये हो गया। बस चेस्ट का यही पॉइंट, कमर का सॉरी वेस्ट का यही पॉइंट रहेगा और चेस्ट का पॉइंट यहाँ पे ओके ही है, बिल्कुल ओके। जैसे बैक आगे का था वैसे ही हमारा बैक साइड का है। तो ये हमारा चेस्ट का बैक साइड का पार्ट्स यहाँ पे इस प्रकार से होता है। तो आप इसको यहाँ पे ऐसे तैयार किया, नहीं हमने दोनों एक साथ कटिंग की है तो इसको हमें फिटिंग देना बराबर है। हमारा बैक साइड का तैयार हो गया। यहाँ पे आप डार्ट लगा लीजिएगा बैक साइड में 3.4 इंच पे, और 3.4 इंच की आप लेंथ ले लीजिएगा 3.5 इंच की, और यहाँ पे 1/4 इंच और यहाँ पे 1/4 इंच, इसको आप ऐसे मिला दीजिएगा। तो ये आपकी जो है बैक साइड की डार्ट हो गई है यहाँ पे कम्प्लीटली, ठीक है। लेंथ आप चाहे तो और बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैक साइड का पार्ट तैयार है। आगे के पार्ट्स में अब हम आपको बताते हैं। देखें आगे के पार्ट्स को, और बिल्कुल बराबर हमें अपने जो कपड़े पे हम कटिंग करेंगे इसको, तो वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने कटिंग किया हुआ है। जो एक्स्ट्रा लेंगे वो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि आपको कितना कहाँ कैसे एक्स्ट्रा लेना है। अब देखिए देखिए आप, मेरा जो मैंने यहाँ पे कट कर रही हूँ बिल्कुल उतना ही करना है मुझे जितना कि मैंने यहाँ पे लिया हुआ था। तो ये देखिए 2.5 इंच लिया था ना, तो ये 2.5 इंच के अंदर अंदर ही, यहाँ से देखिए आप 2.5 इंच की लाइन के मैंने अंदर अंदर बिल्कुल भी इससे बाहर कुछ भी पॉइंट भी नहीं लिया। तो आपको भी ऐसे करना है। कलर की कटिंग के लिए देखिए पहले आपको नेक लाइन जांच लेनी होती है। जैसे ये वाली है आपकी, तो यहाँ पे आपको 3 और 3 6 इंच हो गया है, ठीक है, क्योंकि हमने यह 1/2 इंच का शेप यहाँ पे कटिंग किया हुआ है। 6 इंच आपके बैक साइड से चाहिए होगी और 9 इंच आपको आगे के पार्ट से चाहिए होगी। तो 6 और 9 15 इंच की, 15 या 16 के बीच में आपको कॉलर चाहिए होती है। तो यहाँ पे हम 15 + 1/2 ले लेते हैं, ठीक है। योगी है 7.75 यानी 7.5 इंच, ठीक है। यहाँ पे मैंने 7.5 पे ये एक पेपर लिया है, डबल है ये, तो ये हो गया 15.5 इंच का, ठीक है। अब हम इस पे कॉलर आपको कटिंग करना बताते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे आप ब्लाउज में कॉलर बना रहे हैं तो 1/4 इंच की ले लीजिए, ठीक है। और 1/4 इंच की लेने के बाद आप यहां से भी इसको यहाँ पे मैंने 1/2 इंच नीचे एक लाइन लगा दी है और ये ऊपर में मैंने 1/4 इंच की ये पॉइंट लगा दिया है, ठीक है। अब यहां से देखिए आप ये कितनी है, इसकी जो लेंथ ली है ये 1/4-6 इंच पे यहाँ पे आप पॉइंट लगाइए और इस पॉइंट को आप इस प्रकार से इसमें मिला दीजिए। बहुत ही सरल तरीका है, देखिए मैंने इसको इसमें मिला दिया हल्का सा राउंड शेप लगा करके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां से आप 1/4-1/4 इंच का गेप लीजिएगा, 1/4 इंच, 1/4 इंच और 1/4 इंच, और ये 1/4 इंच हो गया, ठीक है। और अब आप इसको 1/4 इंच इस तरह कीजिएगा। अब आप इस गेप को नाप लीजिएगा कि कहां तक आपको 8 इंच यानी 7.5 इंच आते हैं। तो ये हमारे 7.5, ये हो गया 7.5 इंच। यहाँ पे ये इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट में ऐसे मिला देना है, ठीक है। और इस पॉइंट को आप थोड़ा सा ऊपर ले लीजिएगा, ऊपर लेकर के आपको इसको ऐसे मिला देना है।
अब आपको इसको ऐसे हल्का सा राउंड शेप भी लगाना है, तो ये मैंने यहाँ पे राउंड शेप लगा दिया, ऊपर तक मिला के फिर ये राउंड शेप लगा दिया, ये हमारी साइड जो है ओके है। तो अब मैं आपको इसको कटिंग करके बता देती हूँ, ऊपर से हमारी जो ओके ही है साइड, और इसको आप ऐसे कटिंग करेंगे ब्लाउज की कॉलर के लिए। ये हमारी ब्लाउज की जो कॉलर होती है बंद गले की वो है, और ये बहुत ही सुंदर बन जाती है। इसको आप सूट में भी यूज कर सकते हैं इस कॉलर को, तो ये सूट में भी बहुत ही अच्छी और फिटिंग से बन जाती है। तो ये देखिए, ये हमने जैसे ड्राइंग किया हुआ है वैसे हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी कॉलर का जो शेप है वो अच्छे से कटिंग हो चुका है। अब आप इसको अपने ब्लाउज में इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं, अगर आप बंद गले की चाहते हो। अगर आप ओपन चाहते हैं, छोटी चाहते हैं, कम चाहते हैं, तो आप इसको सीधी ही कटिंग कर सकते हैं। वो भी मैं कभी आपको ओपन हाफ, वैसे मेरे वीडियोज है हाफ नेक कॉलर की, तो वो आप वॉच कर सकते हैं, इन उसकी लिंक मैं आपको इसके नीचे दे दूंगी। तो ये हमारी कटिंग की यहाँ पे वीडियो पूरी हो चुकी है, और स्टिचिंग के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, उसमें मैं आपको बता दूंगी कि किस पार्ट को कितना एक्स्ट्रा लिया जाता है, कॉलर को कैसे कटिंग किया जाता है, कैसे इसकी स्टिचिंग होती है सभी पार्ट्स के साथ में। तो बाजू की जो कटिंग है वो आप अलग से वीडियो देखेंगे, क्योंकि बाजू की वीडियो और देने के बाद वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, आपके लिए वीडियो और अपलोड की हुई है। परफेक्ट स्लीव कटिंग जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको बाजू की वीडियोस मिल जाएंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।